नमोस्तु आचार्य भगवान साकेत जैन मालथोन से आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए एक प्रश्न रखते हैं। हम मंदिर में भोजन के लिए द्रव्य सामग्री धुलते हैं, तो यहाँ एक सवाल उठता है कि वह द्रव्य सामग्री किस प्रकार के जल से धोनी चाहिए, कृपया समाधान करें भगवान। भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें हम द्रव्यों का उपयोग करते हैं, उत्तम से उत्तम द्रव्य लेकर के आते हैं। वैसे तो व्यवस्था यही है कि घर से ही द्रव्य को धोकर के लाना चाहिए और भगवान की पूजन करना चाहिए। आपने पूछा जल कौन सा उपयोग करना चाहिए, तो कुएँ का जल हो और प्राशुक जल हो। देखिए प्राशुक की व्यवस्थाएं, जल को छानने के बाद यदि हम उसमें लौंग पीस करके डाल देते हैं, उसका रस रूप गंध चेंज हो जाता है, तो वो 6 घंटे की मर्यादा वाला हो जाता है। तो हम उस 6 घंटे की मर्यादा वाले जल से भी सामग्री को धोकर के और पूजन पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हर मंदिर में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं कि गैस हो, चूल्हा हो आदि। और यदि हम घर से लाते हैं तो घर में व्यवस्था होती है, तो आप उसे प्राशुक कर सकते हैं गर्म करके। उसे अपन कुनकुना गर्म करते हैं तो 6 घंटे की, और ज़्यादा गर्म करते हैं तो 12 घंटे की मर्यादा हो जाती है, और उबालते हैं तो 24 घंटे की मर्यादा होती है। चूँकि सामग्री जो है, हमारा सामग्री धोने का पर्पस यही है कि वह प्राशुक रहे, शुद्ध रहे। और यदि हम 2-3 घंटे पूजा करते हैं तो उसमें कोई जीव जंतु आदि ना पड़े, इसलिए यदि हमने लौंग के पानी से भी यदि हमने धो लिया तो 6 घंटे तक तो आप पूजा पाठ कर ही सकते हैं। लेकिन कभी कभी बड़े बड़े विधान होते हैं जिसमें सुबह से शाम तक विधान चलते रहते हैं, तो फिर तो उसको जो है गर्म प्राशुक पानी से ही सामग्री को धोना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य भगवान, आज आपके आशीर्वाद से दिल्ली में स्थित द्वारका रत्नात्रय जिन मंदिर में जाकर के अभिषेक शांतिधारा का सौभाग्य मिला। मन को बहुत प्रसन्नता हुई, जहां एक और चैतन्य चमत्कारी बड़े बाबा भगवान पार्श्वनाथ पे शांतिधारा की, वहीं दूसरी ओर द्वारकेश भगवान बाहुबली पे दर्शन करके पुण्य लाभ लिया। इस व्यवस्था में एक चीज़ देखी है कि वहां पर शांतिधारा के पश्चात दिव्य स्वर्णमय छत्र अर्पण किए जाते हैं। आचार्य भगवान, हमारा प्रश्न यह है कि क्या ये व्यवस्था सर्वमान्य है? शांतिधारा के पश्चात छत्र आदि चढ़ाना चाहिए? यदि ऐसा है तो कृपया अपना मार्गदर्शन प्रकट करें भगवान। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और प्रेरणा से यह दिल्ली में बहुत सुंदर विश्वविख्यात रत्नात्रय मंदिर द्वारका बना हुआ है, जहाँ पर भूगर्भ प्रकटित श्री पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं, और आपने आज वहाँ के दर्शन किए। सचमुच में आप भाग्यशाली हैं। और वहाँ पर बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की गई हैं कमेटी के द्वारा। और छत्र अर्पण की जो बात है, देखिए जब हम वेदी में भगवान को विराजमान करते हैं, प्रतिष्ठापित करते हैं, तो उस समय ही अष्ट प्रातिहारों को भी स्थापित करते हैं, क्योंकि जिनेन भगवान अष्ट प्रातिहार, अष्ट मंगल द्रव्य, यक्ष यक्षिणी आदि सभी परिकरों से संपन्न हुआ करते हैं, समोष्ण का प्रतीक है। तो एक तो हम हमेशा के लिए ये स्थापित करते ही करते हैं, और एक विशेष भक्ति होती है जो हम प्रतिदिन अपने हाथों में चमर लेकर के चमर करते हैं। अभिषेक के बाद या शांति धारा के बाद उनके मस्तक के ऊपर छत्र आदि अर्पण करते हैं। ये श्रावक की अपनी विशेष भक्ति होती है जिसे वो प्रतिदिन की क्रिया में ला सकता है। अष्टमंगल द्रव्यों को रोज लेकर के हम और भगवान के श्री चरणों में चढ़ा रख सकते हैं। अष्ट प्रातिहारों को भी हम रोज हाथों में लेकर के नाचते गाते हुए उन पर अर्पण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये श्रावक की विशेष भक्ति होती है। द्वारका के मंदिर में ये बहुत सुंदर व्यवस्था बनी हुई है कि शांति धारा के उपरांत श्री पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर छत्र अर्पण किया जाता है, और ऐसी व्यवस्थाएं सभी मंदिरों में बने तो बहुत अच्छा भी रहेगा। नमोस्तु आचार्य भगवान, वैभव जैन गढ़ा कोटा से आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए अपनी एक जिज्ञासा रखते हैं। आचार्य भगवान, आजकल पंचकलाणकों में देखा गया है कि पंचकलाणक कहीं 5 दिन के, कहीं 7 दिन के, कहीं 3 दिन के, कहीं 6 दिन के होते हैं। अमूमन पंचकलाणक का मतलब 5 दिन से समझ में आता है, फिर भी ऐसा ऐसा अतिरेक कहीं देखने को मिलता है। इस विषय में एक ज्वलंत मुद्दा भी है और सभी के मन में जिज्ञासा है। आज अपना समाधान देकर हम पे उपकार करें भगवान। कल्याणक 5 होते हैं, इसलिए अपन इसको पंच कल्याणक कहते हैं। तो हमें पंच से ऐसा लगता है कि 5 दिन ही कल्याणक मनाना है, ऐसी हमारी धारणा है। कल्याणक 5 दिन में हो, 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, यहाँ तक कि 21 दिन तक का भी पंच कल्याणक के कार्यक्रम हुआ करते हैं। क्रियाएं हैं, उस क्रियाओं को हम एक नाटकीय रूप दें तो बहुत बड़े दिन भी लग सकते हैं। जैसे 1 दिन झंडारोहण हुआ, बस 1 दिन सकलीकरण हुआ, फिर 1 दिन शांति विधान हुआ, ऐसे करके अलग अलग प्रकार के विधान चलते रहते हैं, अनुष्ठान चलते रहते हैं, फिर बीच में कल्याणक कर देते हैं। तो इस प्रकार से 21 दिन का भी बृहद पंच कल्याणक हो सकता है। हम पंच कल्याणक नाम मात्र से ये न समझें कि वो 5 दिन का ही होता है। यदि हम चाहें तो सुबह से शाम तक मात्र पुष्पांजलि और अपनी तांत्रिक और जो क्रियाएं हैं, मांत्रिक क्रियाएं हैं, एक कमरे में भी संपन्न कर सकते हैं। उसमें सौधर्म इंद्र और प्रतिष्ठाचार और यजमान ये मात्र मिलकर ही पंच कल्याणक प्रतिमा का कर सकते हैं। जहाँ जहाँ वह प्रसंग आए कि अब यहाँ पर पुत्रों को राज दे रहे हैं, विवाह का प्रसंग, जन्म का, सुमेरु पर्व ले जाने का, वहाँ पे हम पुष्पांजलि क्षेपण करके क्रिया करके उसी को ही प्रतीक स्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है, यदि हम उसे बृहद रूप देते हैं तो हम 5 दिन का, 6 दिन का भी करते हैं। वर्तमान 6 दिन का करते हैं, वो गर्भ कल्याणक 2 दिन कर लेते हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, इसलिए 6 दिन का हो जाता है। कभी कभी बीच में मुहूर्त नहीं होता है प्रतिमा रखने का, प्रतिष्ठापित करने का, तो 1 दिन उसमें और बढ़ा देते हैं, तो कहीं 7 दिन का भी हो जाता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार जो विद्वान हैं मुहूर्त देख करके इस प्रकार की क्रियाएं कर सकता है। कोई धारणा मन में ये मत लेके रखें कि 5 कल्याणक होते हैं तो 5 दिन में ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आप सभी की शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। आप भी अगर इस पावन पूर्ण अवसर को कमाना चाहते हैं और इसके भागीदारी बनना चाहते हैं तो 1 दिन के लिए 2100 रुपये और 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि देकर अपना नाम पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित करा सकते हैं और आप भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र।